हेलो माय डियर किड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। तो पेरेंट्स, मैं आपको भी बताना चाहूँगी कि मैं आज से कंप्यूटर थर्ड की सीबीएसई स्कूल की बुक्स को चैप्टर वाइज एक्सप्लेन करूँगी और उसके बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊँगी। ये वीडियो खासकर बच्चों के लिए और साथ ही उन पेरेंट्स के लिए काफ़ी उपयोगी रहेंगे जो कि खुद अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं लेकिन इंग्लिश की वजह से नहीं पढ़ा पाते हैं। इसमें मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेंटेंस वाइज एक्सप्लेन करूंगी, जिससे कि आप खुद भी समझकर अपने बच्चों को आसानी से रीड करवा सकते हैं और चैप्टर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले इसमें हम जानेंगे कि क्या क्या हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यू विल लर्न हार्डवेयर, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। इसमें हम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। हार्डवेयर के अंतर्गत हम इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस पढ़ेंगे। देन हम सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर, एंड लास्ट में डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। लास्ट में हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों में क्या डिफरेंसेज है इसको जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यू सी अ कंप्लीट कंप्यूटर विथ ऑल इट्स बेसिक पार्ट्स सच एज मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड सीपीयू। तुमने देखा होगा कि कंप्यूटर पूरी पार्ट से कंप्लीट होता है, अर्थात कंप्यूटर अपने साथ मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड सीपीयू सभी को मिलाकर कंप्यूटर पूरा कंप्लीट होता है, तभी उस पर हम कुछ वर्क कर सकते हैं। ऑल दीज पार्ट आर कनेक्टेड टू ईच अदर एंड वर्क टुगेदर टू फॉर्म ए कंप्यूटर सिस्टम। ये सभी पार्ट्स एक दूसरे से जुड़कर कंप्यूटर सिस्टम में काम करने के फॉर्म में तैयार होते हैं, अर्थात बच्चों ये सभी पार्ट्स को हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, उसके बाद ही हम कंप्यूटर सिस्टम पर कुछ काम कर सकते हैं। अ कंप्यूटर सिस्टम हैज डिफरेंट पार्ट डैट टुगेदर मेक इट वर्क। एक कंप्यूटर सिस्टम के पास सभी पार्ट्स को मिलाने के बाद ही डिफरेंट पार्ट्स मिलकर काम करते हैं। दीज पार्ट्स आर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये पार्ट्स इनके हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर होते हैं। अब हम देखेंगे हार्डवेयर। हार्डवेयर, अ कंप्यूटर हार्डवेयर इज कलेक्शन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर डैट वी कैन टच एंड सी। कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्यूटर्स के सभी पार्ट्स का एक कलेक्शन होता है जिसे हम टच कर सकते हैं एंड देख सकते हैं। दीज हार्डवेयर आर कैटेगराइज इंटू थ्री पार्ट्स। हार्डवेयर को तीन भागों में बांटा गया है, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। ये हम देख रहे हैं कंप्यूटर इन सभी पार्टों से मिलकर एक कंप्यूटर सिस्टम तैयार होता है। कंप्यूटर्स, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड सीपीयू, इन सभी पार्टों को अटैच करने के बाद ही कंप्यूटर वर्क करता है और इन सभी पार्ट्स को हम टच कर कर देख सकते हैं एंड छू कर देख सकते हैं, तो ये हमारा हार्डवेयर कहलाता है। अब इसके अंतर्गत हम देखेंगे इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं? इनपुट डिवाइस, द डिवाइस विच आर यूज टू गिव इनपुट टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइस। जिस डिवाइस की मदद से या जिस डिवाइस को यूज़ करके हम कंप्यूटर के अंदर इनपुट डालते हैं तो वह इनपुट डिवाइस कहलाता है। एग्जांपल्स ऑफ इनपुट डिवाइस आर, अब इनपुट डिवाइस के एग्जांपल्स हम देखते हैं। नंबर वन, कीबोर्ड। कीबोर्ड इज ए प्राइमरी इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड एक प्राइमरी इनपुट डिवाइस होता है। इट इज़ यूज टू टाइप नंबर एंड कैरेक्टर। इसका उपयोग हम नंबर और कैरेक्टर को टाइप करने के लिए करते हैं। प्रेसिंग द की ऑन द कीबोर्ड इज कॉल्ड टाइपिंग। कीबोर्ड पर हम की को प्रेस करते हैं तो यह प्रक्रिया टाइपिंग कहलाती है। ये हमारा कीबोर्ड है। नेक्स्ट हमारा इनपुट डिवाइस है बच्चों माउस।
माउस हमारा ये दिख रहा है, और माउस इज ए पॉइंटिंग डिवाइस। माउस क्या होता है? एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है, विच इज यूज टू पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑन द विंडो स्क्रीन। माउस की मदद से हम विंडो स्क्रीन पे जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको हम पॉइंट कर सकते हैं। द माउस हैज थ्री बटन, विद द हेल्प ऑफ दिस बटन्स वी कैन पॉइंट, सेलेक्ट एंड मूव ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। माउस के तीन बटन्स होते हैं जिसकी मदद से हम कंप्यूटर स्क्रीन पर जो भी ऑब्जेक्ट्स रहते हैं उसको हम पॉइंट कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट्स को मूव कर सकते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर उसको उठाकर ले जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है माइक्रोफोन। दिस इज माइक्रोफोन। इट इज यूज टू रिकॉर्ड एंड स्टोर साउंड इन अ कंप्यूटर। इसकी मदद से हम कंप्यूटर में किसी भी साउंड को रिकॉर्ड कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट हो गया स्कैनर। दिस इज स्कैनर। वी यूज स्कैनर टू स्कैन फोटो। स्कैनर का यूज़ हम फोटो को स्कैन करने के लिए करते हैं, स्कैन करने के लिए करते हैं, मतलब सेम टू सेम वो हमारा स्कैन हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस। द डिवाइस विच इज यूज टू प्रोसेस द इनपुट डाटा इज कॉल्ड प्रोसेसिंग डिवाइस। यह डिवाइस जिसका हम यूज करते हैं इनपुट डाटा डालने के लिए, प्रोसेस होता है जिस डिवाइस में इनपुट से आउटपुट होता है, वो हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस कहलाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU इज ए प्रोसेसिंग डिवाइस ऑफ कंप्यूटर। CPU जो है कंप्यूटर का प्रोसेसिंग डिवाइस कहलाता है, और CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। द CPU इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोसेसर। CPU को बच्चों और क्या कहते हैं? प्रोसेसर भी कहते हैं। इट इज प्रेजेंट इनसाइड द CPU बॉक्स। इट प्रोसेस डाटा एंड गिव्स टू आउटपुट डिवाइस। यह प्रोसेस जो है CPU बॉक्स के अंदर होता है। इस प्रोसेस में डाटा को हम इनपुट करते हैं और फिर बाद में हमें आउटपुट डिवाइस पर देखने को मिलता है। ये हमारा प्रोसेसर है एंड ये CPU है। ये प्रोसेसर CPU के अंदर रखा जाता है जिसके माध्यम से हम कोई भी इनपुट कंप्यूटर में डालते हैं, जैसे कीबोर्ड माउस की मदद से हम डालते हैं तो इसमें प्रोसेस होता है और फिर आउटपुट हमें मॉनिटर पर देखने को मिलता है। अ प्रोसेसर इज कैपेबल ऑफ डूइंग थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन पर सेकेंड। ये प्रोसेसर जो है क्या करता है बच्चों? कैलकुलेशन थाउजेंड्स ऑफ मिलियन की स्पीड से, थाउजेंड्स ऑफ मिलियन पर सेकेंड में कैलकुलेशन करता है। नो ह्यूमन कैन डू इट डू डैट, जो कि मनुष्य नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा आउटपुट डिवाइस। द डिवाइस विच आर यूज टू गिव आउटपुट टू प्रोसेस डाटा आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। वह डिवाइस जिसका यूज आउटपुट प्रोसेस करने के लिए किया जाता है उसको आउटपुट डिवाइस कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस आर, आउटपुट डिवाइस के हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। पहला क्या है? मॉनिटर। मॉनिटर इज लाइक अ टेलीविजन विच डिस्प्ले द आउटपुट। एवरी वर्क वी डू ऑन कंप्यूटर विल डिस्प्ले ऑन द मॉनिटर। मॉनिटर क्या है? एक टेलीविजन की तरह दिखता है और ये इस पर हमें आउटपुट दिखता है। कंप्यूटर पर जो भी हम काम करते हैं वो हमें डिस्प्ले के रूप में मॉनिटर पर दिखता है। द आउटपुट ऑन मॉनिटर इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। अब जो हमारा आउटपुट मॉनिटर पर दिखता है बच्चों उसको हम क्या कहते हैं? सॉफ्ट कॉपी, प्रिंटर। प्रिंटर प्रिंटर इज यूज टू टेक प्रिंट आउट ऑफ वर्क डन ऑन अ पेपर। प्रिंटर का प्रयोग हम प्रिंट आउट निकालने के लिए पेपर पर करते हैं। जो भी हम कंप्यूटर में वर्क करते हैं उसका प्रिंट आउट हम पेपर में आउटपुट के रूप में निकालते हैं। इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? प्रिंटर। दिस इज प्रिंटर।
द आउटपुट ऑन ए पेपर इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। जब हम आउटपुट पेपर पर निकालते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, हार्ड कॉपी। अब देखो, ध्यान से देखना बच्चों, आउटपुट हम मॉनिटर पर देखते हैं तो उसे हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, और जब आउटपुट हम पेपर पर निकालते हैं तो उसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं। स्पीकर, वी यूज स्पीकर्स टू लिसन टू साउंड फ्रॉम अ कंप्यूटर। ये हमारा स्पीकर है। स्पीकर का प्रयोग हम कंप्यूटर पे साउंड, किसी भी प्रकार की आवाज़ को सुनने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है हमारा हेडफोन। वी यूज हेडफोन्स टू लिसन म्यूजिक विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स। ये हमारा हेडफोन है, इसका यूज़ हम म्यूजिक सुनने के लिए करते हैं, ताकि हम किसी दूसरे को डिस्टर्ब ना हो सके हमारे म्यूजिक सुनने से। इसे हम कान में लगाकर खुद सुनते हैं और अदर्स कोई डिस्टर्ब नहीं होते हैं। तो बच्चों, आज हमने यहाँ तक पढ़ चुके हैं हार्डवेयर क्या होता है, इनपुट डिवाइस क्या होती है, प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होती है एंड आउटपुट डिवाइस क्या होती है। ये पार्ट हम कल के वीडियो में देखेंगे। तो आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं। थैंक यू।